वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू छोटे को ढेर सारा प्यार बड़ों को पैरी पौने जी गाइस टाइम हो रहा है एक नहीं मैं आपको ले आती हूँ नहीं मैं वो ब्रूनो से मिलना है अच्छा तो ये देखिए यहाँ पे आरफ कह रहा है पहले ब्रूनो से मिलना है ब्रूनो को दिखा दो ये देखो ये स्माइली डॉगी करता हुआ बैठा है और पता है स्माइली डॉगी मैं आपको बताऊँ कल जो मैंने चार्ली 777 मूवी देखी थी ना वो मूवी इतनी अच्छी थी कि एट द एंड ऑफ द मूवी आई क्राइड अ लॉट मैं ना हो जाती हूँ इमोशनल बहुत ऐसी मूवीज देखकर जिसमें एनिमल वगैरह का दिखाते हैं डॉग्स का दिखाते हैं पिक्चर ने रुला दिया यार सीरियसली अमेजॉन प्राइम पे है रेंट पे भी नहीं है फ्री में है 777 चार्ली आप ज़रूर देखिएगा बच्चों के साथ बैठ के देखिएगा किड्स विल लव इट आई एम टेलिंग यू तो बस अभी काम खत्म हो गया बट मैंने नाश्ता नहीं किया अभी तक तो आज मैं नाश्ते में खाने लगी हूँ खरबूजा मुझे रोटी नहीं खानी चाय नहीं पीनी बहुत गर्मी लग रही है तो आज मैं नाश्ते में खा रही हूँ खरबूजा पहले काटते हैं खरबूजा फिर लगाएंगे कॉफ़ी वाला फेस पैक फिर बनाएंगे दलिया लेकिन दलिया बनाऊंगी आज मैं नमकीन वाला कितना पैड़ा मुंह बना दिया तूने रुक जा एक मिनट मारा इससे कैसे पंगा लेता है ये स्माइल है कितनी गंदी शक्ल बना दी तूने उसकी बेचारा वो भी सोच रहे क्या करे छोड़ उसको छोड़ प्यारा सा बेचारा कुछ कहता नहीं है शरीफ सा बंदा चलिए गाइस खरबूजा काटते हैं और खाते हैं नाश्ते में और फिर बस मैं तेरे को ऐसे ही दिखा दूंगी तो भी नहा के निकला देख ले तो नाश्ता करके फिर बाकी अपना ब्लॉग शुरू करते हैं कल का ब्लॉग तो पता नहीं मेरा क्या ही बना था मुझे समझ ही नहीं आया कहाँ मैंने बोला कि मैं शनि मंदिर जा रही हूँ कहाँ मैं आपको अगले दिन गुड मॉर्निंग कर रही हूँ मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे ब्लॉग में आज हुआ गया गुड मॉर्निंग कर रही हाँ मंदिर से आके ब्लॉग बनाया ही नहीं ईशिका के साथ चली गई तो बस सुबह फिर मुझे याद आया कि मैंने तो एंड ही नहीं किया और मॉर्निंग हो रही है तो ऐसा हो जाता है गड़बड़ घोटाला कभी कभार आप ब्लॉग नहीं बना पाते और सबसे बड़ी परेशानी क्या मुझे अकेले ही घसीटना है कोई नहीं बनाएगा अभी चलाया यार तो चले गाइस पहले खा लूँ खरबूजा गाइस ये देखिए ठंडा ठंडा मीठा मीठा वाटरमेलन और सॉरी खरबूजा मस्क मेलन चलो ये खाते हैं और बाकी शुरू करते हैं अपना व्लॉग आप जरा रेडी हो जाओ प्लीज़ गाइस ये देखिए खरबूजा खाने के बाद मैंने कॉफ़ी का फेस पैक रेडी कर लिया एलोवेरा जेल और हल्दी डाली है अब मैं इसको लगा लूँगी और फिर जाऊँगी नहाने गाइस इससे कुछ भी नहीं होता अच्छा तू चुप रहे तुझे पता क्या होता है कि नहीं होता ऐसे ही नहीं सारे पूछते तेरी मम्मी से कि आप क्या करते हो और क्या नहीं करते भाई तू नेचुरल ब्यूटी है हम तो सड़ेली ब्यूटी है ना ये देखिए अभी रेडी हो गया पानी हम सब पीते हैं ज्यादा मत बोल आफ्टर अप्लाइंग कॉफी फेस पैक मिलती हूँ नहा कर गाइस हम हो गए रेडी और बच्चे आ गए हैं फटाफट पाठ पूजा हो गई और अब मैं जा रही हूँ पढ़ाने और आज का व्लॉग टाइम पे स्टार्ट हो गया था इसलिए थोड़ी बहुत क्लिपिंग बन गई तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद हाँ कॉफ़ी का फेस पैक तो मैंने लगाते हुए दिखा दिया था बट कल का व्लॉग तो मुझे समझ ही नहीं आया मैंने क्या बनाया और आज मैंने बेटी का टॉप पहना है नेकेड वाला गर्मी में वो पता नहीं पहनती नहीं ले आई है लेकिन मुझे बड़ा पसंद है मैं आपको बाद में दिखाऊंगी अगर टाइम लगा तो चलिए मैं जाती हूँ पढ़ाने और फिर मिलती हूँ खाना बनाने की छुट्टी है कल चिकन बनाया था पड़ा हुआ है मेरे लिए क्या बना है मुझे पता नहीं और मैंने अभी तक लंच किया नहीं तो देखती हूँ मैं अभी कुछ बनेगा या नहीं क्या ब्रेड ब्रेड खा लूँगी देखी जाएगी चलिए फाइनली 8 बजे बच्चे पढ़कर गए 8 बजे गए आज भी और मैं अब आरफ का हॉलीडे होमवर्क शुरू करूंगी कल से और देखती हूँ बाहर से कुछ बनवाना है कल से बोल रही हूँ ओए चश्मा भी गया और पेन भी गया तेरा तो आरफ समेटेगा बाहर का रूम सॉरी अंदर का रूम और मैं समेटूंगी बाहर का दोनों रूम्स का आपको एक बार दिखाती हूँ हाल इस टाइम क्या होता है भाई देखिए यहाँ पर आरफ महाशय जी पढ़ रहे थे तो देखो कमरे का हाल क्या किया हुआ है और ये सोफे की ये ब्रूनो ने की है यहाँ पर सोफे की गद्दियाँ पड़ी है ना और ये मस्करा भी जो बाहर निकला है ये देखिए कहाँ गया ये यहाँ पर देखिए ये किताबें कुतुबें सब ऐसे पड़ी हैं कारपेट इतना गंदा और मैसी हो जाता है ना और मैं पढ़ाते पढ़ाते ही अपना लंच कर रही थी तो मेरा बाउल भी अभी खाली यहीं पड़ा हुआ है ब्रूनी कितने गया ओहो ब्रूनी महाशय जी इज बिजी इन सुसु यार सोच खाना बनाने की कोई सच कोई टेंशन नहीं है खाना बनाने की तो बस रूम समेट के फटाफट मशीन ऑन करते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या करने हैं गाइस मेरे हस्बैंड भी आ गए और बच्चों को खाना वाना दे दिया मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ अपने लिए और मैं बना रही हूँ अपने लिए पोहा लेकिन मैं आपको बताऊँ आज पोहे में मैं थोड़ा सा टेस्ट चेंज करूँगी क्योंकि रात को ज़्यादा हैवी नहीं खाना तो मैं पोहा एज इट इज़ बनाऊँगी लेकिन उसमें ट्विस्ट क्या करूँगी ऊपर से वो मैं आपको दिखाती हूँ आइए मेरे साथ अरे रुक जा ब्लॉग एंड कर दे फटाफट एंडिंग रह जाती है अभी दिखाती हूँ ये देखो ये भी महाशय जी डॉगीज की आवाज़ सुन के इधर उधर भाग रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊँ और बाहर ये निकलता नहीं है बिल्कुल भी ये देखो देखो जाके कैसे बैठ गया उधर ओए लल्लू लल्लू इधर आ तो गाइस ये देखिए यहाँ पर जो तैयारी मैंने की है टमाटर और शिमला मिर्च प्याज तो मैं डालूंगी इसके साथ एक खीरा भी लिया है तो इसका मैं क्या करूँगी मैं अभी आपको दिखाती हूँ बनाने के बाद गाइस ये देखिए पूरा का पूरा पोहा रेडी हो गया एग्जैक्टली जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ प्याज टमाटर शिमला मिर्च नमक और हल्दी नथिंग एल्स और इसमें मैंने नमकीन डाल दिया अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये देखिए क्रश किया हुआ खीरा ये मैं गैस बंद कर चुकी हूँ और अब इसे ऊपर गार्निशिंग के लिए डाल दूँगी और साथ में डालूँगी लेमन
तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया कि हम पोहे में खीरा ऐड कर देंगे फॉर द टेस्ट। गाइस ये देखिए खीरा भी डाल दिया और थोड़ा सा चाट मसाला, तो ये रेडी हो गया मेरे लिए बहुत टेस्टी यमी और वेरी डिलीशियस हेल्दी पोहा। तो गाइस अभी अब व्लॉग को एंड करने का टाइम और आज पोहे को एक अलग तरीके से बनाना सीखा, जैसे ही सीखा आपको सिखा दिया। आप खीरे की जगह जो सैलेड वाली गाजर होती है रेड कलर की वो भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड, मिलती हूँ आपसे कल। कल है मंडे, सारा दिन चिल आउट, वैसे आजकल चिल आउट ही चल रहा है, बच्चे भी नहीं है इतने, ट्यूशन के काम भी इतना ऐसा कुछ घर का ज़्यादा होता नहीं, तो बहुत रिलैक्स चल रहा है टाइम। तो मिलती हूँ आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेट कर दीजिए, बने रहिए हमारे साथ। गर्मियों में अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।